नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 6 महीने 200 रुपए के नोट पर सबसे भारी गुजरे हैं। इन पीले नोटों पर सबसे ज्यादा लिखावट हुई, यही सबसे ज्यादा कटे फटे और सड़े गले हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच रिजर्व बैंक ने 200 रुपए वाले 137 करोड़ गंदे और जख्मी नोट बाजार से हटाए हैं। पिछले साल अप्रैल से मार्च के बीच 135 करोड़ नोट हटाने पड़े थे, यानी पिछले पूरे साल में जितने नोट खराब हुए उससे 2 करोड़ ज्यादा नोट इस साल 6 महीने में ही बेकार हो गए। वैसे कुल संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा सड़े गले नोट 500 रुपए वाले निकले। आरबीआई की 6 माही रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि रिजर्व बैंक बाजार में चल रहे नोट सड़ने गलने पर उन्हें वापस ले लेता है। तमाम नोट कटने फटने और उन पर लिखावट के कारण वापस लेने पड़ते हैं। इस 6 माही में 200 रुपए के नोट सबसे ज्यादा क्यों खराब हुए, इस बाबत बैंकिंग विशेषज्ञ भी सटीक कारण नहीं बता पा रहे हैं। एक राष्ट्रीय बैंक के रीजनल मैनेजर ने कहा है कि 2000 का नोट बंद होने के कारण यही दूसरे नंबर पर बड़ी मुद्रा है। सर्वाधिक प्रचलन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस 6 माही में सबसे ज्यादा खराब नोट 500 रुपए के ही निकले। इनके खराब होने का अनुपात पिछले साल के सापेक्ष कुछ बढ़ा गया सामान्य रहा है। इनके सड़ने गलने की रफ्तार में 200 के नोट की तरह असामान्यता नहीं देखी गई है। 2023-24 के 12 महीनों में 500 के 633 करोड़ नोट हटाए गए थे। इस साल अप्रैल से सितंबर तक 459 करोड़ नोट चलन से दूर किए गए हैं। ये लगभग 50% ज्यादा है। 200 के नोटों में सड़ने गलने का प्रतिशत 110 तक मिला है।